हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। वेलकम टू शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। बात है 5 दिसंबर 1945 की। दोपहर 2 बजे 5 टीबीएम एवेंजर्स टॉर्पीडो बॉम्बर्स एक नियमित नेविगेशनल ट्रेनिंग के लिए यूएस नेवल एयरलाइन फोर्ट लॉडरडेल से रवाना हुए, जिसमें लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर उड़ान के कैप्टन के रूप में कार्य कर रहे थे, जिन्होंने लगभग 2500 घंटों की उड़ान भरी थी और प्रशांत महासागर में वर्ल्ड वॉर टू के कई युद्ध दौरों का अनुभव हासिल किया था। इन 5 विमानों के ग्रुप में कुल 14 लोग थे और इसे फ्लाइट 19 नाम दिया गया था, जिसे नेविगेशनल समस्या नंबर 1 को एग्जीक्यूट करना था, जिसे प्लान के मुताबिक फ्लोरिडा तट से पूर्व की ओर उड़ना था, फिर हेंस और चिकन सॉल्स नामक स्थान पर बमबारी करनी थी और फिर उत्तर की ओर मुड़ना था और ग्रैंड बहामा की तरफ बढ़ना था। उड़ान का अंतिम चरण एनएएस फोर्ट लॉडरडेल के लिए वापस उड़ान भरना था। कुछ हल्की बारिश को छोड़कर मौसम आम तौर पर सामान्य रहने का अनुमान लगाया गया था। उड़ान के पहले चरण में सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, क्योंकि उन्होंने बिना किसी घटना के अभ्यास बम गिराए। लेकिन जैसे ही फ्लाइट 19 यात्रा के दूसरे चरण के लिए उत्तर की ओर मुड़ने लगा, फ्लाइट 19 के लिए परेशानी शुरू हो गई। लगभग 3:45 बजे फोर्ट लॉडरडेल के फ्लाइट टावर को टेलर से एक संदेश मिला, जो कथित तौर पर भ्रमित और चिंतित लग रहा था। कैप्टन टेलर ने कहा, कैनॉट सी लैंड, वी सीम टू बी ऑफ कोर्स। टावर ने उत्तर दिया, व्हाट इज योर पोजीशन। लेकिन इस बार फ्लाइट 19 की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। करीब 20 मिनट तक संपर्क टूटा रहा, लेकिन जब संपर्क दोबारा शुरू हुआ तो वो रास्ता भटक चुके थे। उनको कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ है। फ्लाइट 19 ने अपने अंतिम शब्दों में टावर को बताया कि इट लुक्स लाइक वी आर एंटरिंग व्हाइट वाटर, वी आर कम्प्लीटली लॉस्ट। कुछ ही मिनटों के भीतर टावर कर्मियों ने बचाव उपकरण ले जा रही 2 पीबीएम मरीनर उड़ान नौकाओं को फ्लाइट 19 की खोज के लिए भेजा, लेकिन उनमें से एक पीबीएम मरीनर भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। फिर बाद में कई रिसर्च किए गए, लेकिन फ्लाइट 19 और पीबीएम मरीनर की कोई मलबा नहीं मिला और बाद में मान लिया गया कि फ्लाइट 19 के रहस्यमय तरीके से गायब होने से 14 लोगों की मौतों के बाद पीबीएम मरीनर द्वारा बचाव के प्रयास में 13 और लोग मारे गए। इन्हीं हादसों के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और लोगों के बीच एक नाम सामने आया जहां ये दोनों हादसे हुए थे, और वो नाम था बरमुडा ट्रायंगल। बरमुडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल्स भी कहा जाता है, यानी राक्षस का ट्रायंगल, जो अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है जिसकी कोई सहमति वाली सीमा नहीं है, लेकिन आम तौर पर इसे अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट, बरमुडा, क्यूबा, हिस्पेनियोला, जमाइका और प्यूर्टो रिको के द्वीपों से घिरा क्षेत्र माना जाता है। कुछ कैलकुलेशंस के अनुसार यह क्षेत्र 5 लाख से 1.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स के बीच है और आकार में ट्रायंगल जैसा है। सामान्य तौर पर यह समुद्र का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, हालांकि यह आम तौर पर छोटा है, क्योंकि समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 70% हिस्सा कवर करता है। और यह नहीं बताया जा सकता कि बरमुडा ट्रायंगल में कितने जहाज या विमान गायब हो गए हैं, लेकिन अमरीकी नौसेना का अनुमान है कि लगभग 50 जहाज और 20 विमान वहाँ लापता हो गए हैं, जिनमें फ्लाइट 19 भी शामिल है, जिसके हादसे के बाद कई रिसर्चर्स ने अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दिए। जैसे कि कुछ लोगों का मानना था कि इस क्षेत्र के नीचे एलियंस मौजूद हैं, जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। कुछ लोग यहाँ राक्षसी शक्तियों का होने की बात करते हैं, तो कुछ इसे भूत प्रेतों का स्थान मानते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ऐसे भी हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है। चलिए जानते हैं इन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के बारे में। सबसे पहला तथ्य, बरमुडा ट्रायंगल में समुद्री जहाजों का आना जाना बड़ी संख्या में होता है, जो रहस्यों का कारण बन सकता है, क्योंकि यदि किसी स्थान पर अधिक ट्रैफिक होगा तो वहां सामान्य क्षेत्र के मुकाबले अधिक एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, बरमुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में तूफान बहुत अधिक आते हैं, ऐसे में वहाँ कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली तूफान भी उठते हैं जो जहाजों को डुबा सकते हैं, इसलिए इसे असामान्य घटना से नहीं जोड़ा जा सकता है। तीसरा, एक आम एक्सप्लेनेशन जो मैग्नेटिज्म से संबंध रखती है, धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एक स्थान पर नहीं है,
जिसका मतलब कंपास सटीक नॉर्थ पोल की तरफ संकेत नहीं करता है। आमतौर पर नाविक इस अंतर से परिचित होते हैं और वे कैलकुलेशन कर सही दिशा का पता लगा लेते हैं, लेकिन समुद्र में एक स्थान ऐसा आता है जहां कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल को एक ही दिशा में दर्शाता है। जिस स्थान पर ऐसा होता है उसे एगोनिक लाइन कहा जाता है। एक एगोनिक लाइन मेक्सिको की खाड़ी के पास बरमुडा ट्रायंगल से निकलती है, इसलिए हो सकता है नाविकों और विमान चालकों के साथ इस स्थान पर नेविगेशन में गलती हुई हो और वे भटक गए हों। चौथा, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जगह पर समुद्र के नीचे मीथेन गैस जमा होती है, जहां से कई बार बड़ी संख्या में मीथेन गैस के बुलबुले उठते हैं। गैस का अचानक से समुद्र तल से निकलना समुद्र में झाग उत्पन्न करता है जो जहाज को आसानी से निगल सकता है। इसी तरह की प्रक्रिया ने शायद नॉर्वे के समुद्र तल पर विशाल गड्ढे बनाए, लेकिन ऐसा होने के कहीं पर भी सबूत नहीं मिले। पांचवा, बरमुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में मौजूद पानी समुद्र के बाकी क्षेत्र के मुकाबले बहुत कम गहरा है। कहा जाता है कि पुराने समय में कई बार समुद्री जहाज इस क्षेत्र में नीचे छिपे हुए मिट्टी के टीलों में अटक जाते थे, तो हो सकता है इसी वजह से यहाँ समुद्री जहाजों के साथ अनहोनी घटनाएं घटी हो। छठवां, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बरमुडा ट्रायंगल पर अजीब तरह के बादल बनते हैं जिससे हवाई जहाज और समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ये बादल हेक्सागोनल आकार में होते हैं, इसलिए इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है। ये बादल हवा का एक बड़ा विस्फोट पैदा करते हैं जिससे 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं। ये बादल और हवाएं दोनों मिलकर हवाई जहाज और समुद्री जहाज से टकराते हैं, जिससे जहाज अपना संतुलन खो देता है और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अब इन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि अगर बरमुडा ट्रायंगल इतना ही खतरनाक है तो वहां से कोई भी पैसेंजर फ्लाइट या पानी वाले जहाज नहीं गुजरती होगी, लेकिन आप गलत हैं। रोजाना बरमुडा ट्रायंगल के रास्ते से कई पैसेंजर फ्लाइट्स और पानी वाले जहाज गुजरते हैं और पिछले 50-60 सालों में कोई भी हादसा नहीं हुआ है। लेकिन ये बात तो सही है कि यहाँ कई हादसे हुए हैं और जिस पे कई आर्टिकल्स और बुक्स समय समय पर पब्लिश किए गए हैं, जैसे कि एडवर्ड वैन विंकल जॉन्स की आर्टिकल द मियामी हेरल्ड, जॉर्ज सैंड की आर्टिकल सी मिस्ट्री अवर बैक डोर और लैरी कुस की किताब द बरमुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।